बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की राह देख रहा बस स्टैंड नौकर। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन के पांचवें चरण में शासन के निर्देश अनुसार बस सेवा शुरू की गई, लेकिन यात्रियों की राह बस अड्डा जो रहा है, जहां पहले बसों में स्टैंड मोड़ में लोग सफर करते नजर आ रहे थे, वही अब बसें खाली नजर आ रही हैं। नौकर डिपो के ARM ने बताया कि 1 जून को बस सेवा शुरू किया है, लेकिन बसों में सवारी नहीं। वहीं एक बस गोरखपुर के लिए रवाना किया गया, जिसने मात्र 16 सवारियों के साथ बस को छोड़ा गया है, जो कि लॉकडाउन का असर है। वहीं बसें पूरी तरह सैनिटाइज कर रखी गई हैं, लेकिन लॉकडाउन के असर से निर्देशानुपालन में बसें आज सुबह 8 बजे से संचालन की कार्रवाई शुरू की गई। नहीं, जब आप बसें भेजते हैं तो उसमें भी बैठने वाले यात्रियों के लिए कोई दिशा निर्देश रहता है? हाँ, बैठने वाले यात्रियों के लिए है कि यात्रियों को जो है सुरक्षित यात्रा कराने के लिए जो है कोई भी यात्री बिना मास्क लगाए बस में यात्रा नहीं करेगा। ये चालक परिचालक को निर्देश दिए गए हैं और बस निकलने से पहले बस की साफ सफाई, उसका सैनिटाइजर कराया जाता है बस को, ताकि जो है यात्रियों को किसी तरह संक्रमण का खतरा ना हो। और बीच रास्ते में अगर यात्री मिलते हैं उनको किस हिसाब से बैठाया जाएगा? बीच रास्ते में जो यात्री मिलेंगे, वो यात्री अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उनको जो है हम यात्रा नहीं करा सकते, क्योंकि मास्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर, बस जो चल रही है उसमें कोई यात्रियों का लिमिटेशन है कि इतने यात्री बैठ करके ही इस समय सफर करेंगे बस में, कोई ऐसा दिशा निर्देश? हाँ, कोई इस तरह के हैं जो बसों में हमारे अभी तो यात्री बहुत कम मिल रहे हैं। वैसे भी बसें अभी सुबह आज जो बस गई है वो केवल बस में मात्र 16 यात्री ही रहे गोरखपुर जो गई है। वैसे भी कोई भी यात्री स्टैंडिंग नहीं चलेगा बसों में। ये स्टैंडिंग मोड सर कितने दिनों तक लागू रहेगा, मात्र जून तक या फिर? ये अभी तत्काल के लिए तो यही है, आगे के जैसे दिशा निर्देश होंगे।